हिमाचल अल्पसंख्यक विभाग के नव नियुक्त अध्यक्ष इकबाल मोहम्मद ने कार्यभार संभाल लिया है। कांग्रेस आला कमान ने हाल ही में उन्हें प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग की कमान सौंपी थी। प्रदेश भर से आए हुए विभाग के पूर्व पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस कार्यालय में कार्यभार संभाला और बैठक कर आगामी रणनीति भी तैयार की। इसके अलावा प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर 2 माह में प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग की कार्यकारिणी का गठन करने की बात कही। इकबाल मोहम्मद ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर का अल्पसंख्यक विभाग की जिम्मेदारी सौंपने पर आभार भी व्यक्त किया। चेयरमैन नियुक्त होने पर जहां इकबाल मोहम्मद ने कांग्रेस आलाकमान का आभार जताया, वहीं पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर को इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाने की बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो जिम्मेवारी उन्हें दी, उसे वह बखूबी निभाने का पूरा प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नदीम जावेद जी और हमारे प्रभारी मोहिंदर सिंह भोरा जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे कंधों के ऊपर ये जिम्मेवारी सौंपी है। और मैं अपने पार्टी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं अपने माइनॉरिटी सेल को पूरी एकजुटता के साथ लेके चलूंगा। और अभी मेरे को फिलहाल ही 1 हफ्ता पहले ये जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए मैं पूरे प्रदेश का, पूरे जिले, हर जिला वाइज, विधानसभा वाइज, ब्लॉक वाइज, बूथ वाइज दौरा करूंगा और फिर कार्यकारिणी गठित करूंगा। एक जो सीए और एनआरसी को लेकर पूरे देश में एक भाई का माहौल बना हुआ, खासकर जो माइनॉरिटी में है, मुस्लिम में है, उसको लेकर प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि ये कितना सही फैसला है केंद्र सरकार का, और क्या इसको लेकर जो है लोगों को जागरूक करना या लोगों के सामने सरकार अपनी बात नहीं रख पाई है? देखो, जो एनआरसी और सीए लेके आई है सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार, तो ये बहुत ही गलत है। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस हिंदुस्तान के अंदर संविधान, सभी को संविधान में जीने का अधिकार है और सभी धर्म, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी एक बराबर हैं और सभी को एक बराबर लेके चलना चाहिए। इससे हर जगह, आप लोगों को पता ही, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं, तो सरकार को सबको एक साथ लेके चलना चाहिए। अगर वो कहते हैं, हम मोदी जी ने रैली की थी दिल्ली में, वो कहते हैं कि भी हम एनआरसी लागू नहीं किए करेंगे, तो इसके बारे में फिर उनको बताना चाहिए भी क्या है क्या नहीं। इसके लिए मैं यही कहूँगा कि बहुत गलत है, सभी धर्मों के लोग एक हैं, संविधान सबके लिए एक है। और मैं तो ऐसे क्षेत्र से आता हूँ, मेरा क्षेत्र नाहन विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, मेरे यहाँ पे माता बाला सुंदरी का बहुत बड़ा मंदिर है और मेरे बुज़ुर्गों से 1985 से लेके मेरे बुज़ुर्ग वहाँ के ट्रस्टी रहे हैं और मैं भी वहाँ का ट्रस्टी हूँ। मैं जातिवाद पे वो नहीं रखता हूँ, मेरे लिए सब एक हैं। धन्यवाद। जिस तरह से आज बैठक भी की जा रही है, किस तरह की रणनीति रहने वाली है और आगामी किस तरह के कार्यक्रम जो है माइनॉरिटी सेल शुरू करेगा? पूरे प्रदेश में हम हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर विधानसभा क्षेत्र में बूथ तक जाएंगे और अपने जो माइनॉरिटी के पहले पदाधिकारी हैं उनको साथ लेके चलेंगे और युवाओं को भी इसमें मौका देंगे और नई कार्यकारिणी का गठन करेंगे। ये हम 2-3 महीने के अंदर कर देंगे। धन्यवाद। उज्ज्वल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।